पूछिएगा। सॉरी, कॉपी ट्रेडिंग का जो सिस्टम है उसके, मैं कह रहा हूँ कॉपी ट्रेडिंग जो आपका सिस्टम है उसके हवाले से दो मेरे सवाल थे। सवाल नंबर एक के ब्रोकर कौन सा सपोर्टेड होता है, ठीक है, सही और है। सवाल नंबर किस तरीके से काम करता है, क्योंकि मैंने मैंने पहले इंस्टा फॉरेक्स का मेरा अकाउंट है और एक और एक्सएम पर उसका भी अकाउंट है। काफी साल होगा मुझे, 5-10 साल पहले मैंने ट्रेड करी थी ना, उसके बाद छोड़ ही दिया था। अभी रिसेंटली आपकी वीडियोस वगैरह देखता रहा हूँ मैं चीजें, तो मुझे अच्छा लगा, इंटरेस्टेड था, मैंने कहा आपसे जो है ना सवाल से बात करूँ और चलें, गाइडेंस। सही है। देखें, सबसे पहले तो कॉपी ट्रेडिंग के लिए आपको एविड ग्लोबल पे आपको अपना अकाउंट बनाना होगा, एक चीज है। ठीक है, आप उसको अपना अकाउंट बना लीजिए। अच्छा, ब्रोकर की तरफ से वीपीएस और सारी चीजें जो है, कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन हमें ब्रोकर की तरफ से मिल रहा है ना, तो उसमें इतनी हमारे जैसे कि अक्सर वीपीएस में दूसरे हम लोकल जो ले रहे होते हैं उनमें पंचायतें हमें मिल जाती हैं, तो ये वाले हमें मसले मसाइल नहीं मिलेंगे ना। हमारी ट्रेड भी एक्यूरेट एरिया जहाँ से मैं अपने अकाउंट में ट्रेड लगाऊंगा वहां से ट्रेड भी लगेगी और सारी चीजें होंगी, तो इसमें ऐसा कोई मसले वाली बात नहीं है। दूसरी चीज, दूसरा सवाल आपने क्या पूछा था, दोबारा पूछेगा, सॉरी। दूसरा सवाल ये था कि ब्रोकर से कनेक्शन किस तरीके से होता है, मतलब अब मैं अकाउंट बनाऊं तो उसके लिए क्या होगा, मिनिमम डिपॉजिट क्या होगा और किस तरीके से कनेक्ट होगा वो अकाउंट। भाई मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, बाकी भाई जो है प्लीज अपना माइक क्लोज कर लें, आवाज में डिस्टॉर्शन आएगी। अच्छा जी, ब्रोकर आप चले जाएं, ब्रोकर के डायरेक्ट वेबसाइट है abitglobal.com, डायरेक्ट आप वेबसाइट चले जाएं ब्रोकर की, सही है, वहां पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप मुझे आईडी और अकाउंट का पासवर्ड दे देंगे, ये दो चीजें आप मुझे दे देंगे, तो फिर मैं मैनुअली आपका अकाउंट जो है अटैच कर दूंगा, क्योंकि पहले मैं वेबसाइट के थ्रू कर रहा था लेकिन काफी सारे लोगों से वेबसाइट के थ्रू अपना डेटा नहीं दे पा रहे थे लोग मुझे, तो जिसकी वजह से फिर मैंने सबको बोल दिया कि आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज दें, सही है, और अगर मेरा व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं आ रहा हो तो व्हाट्सएप पे कॉल कर दें, क्योंकि अभी तो मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ तो नंबर पे कॉल नहीं कर पाएंगे आप लोग, ये सारी चीजें। अच्छा, इसके अलावा किसी और कोई और सवाल हमारे समझा से कि मिनिमम रिलेटेड, डिपॉजिट कितना चाहिए होगा। मिनिमम डिपॉजिट देखें अभी ईद तक तो आप $100 आए, $200 आए, $500 आए, $1,000 आए, कितने से भी आप आ सकते हैं। ईद के बाद जो है मैं, क्योंकि ईद के टाइम पे इंशाल्लाह, अच्छा ईद के टाइम पे अच्छा फायदा भी हो चुका होगा, प्रॉफिट भी हो चुका होगा, तो ईद के बाद से मैं जो है कॉपी ट्रेडिंग में ले रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मिनिमम $1,000 के अकाउंट, मिनिमम ईद के बाद से, क्योंकि छोटी इक्विटी होती है लोगों की, छोटी इक्विटी पे लोगों को इतना प्रॉफिट नहीं समझ में आ रहा होता, जिसमें महीने का 10%, 20%, 15% लोगों को समझ नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि इक्विटी आपकी बड़ी भी होगी तो फिर आपको बाद में कोई इतना इश्यू नहीं होगा। बात जी दानियल कैसे हैं? कर मैंने आपका अकाउंट अकाउंट ट्रेड में अभी 2 दिन से कोई ट्रेड नहीं लगी है, नहीं कॉपी ट्रेडिंग में 2 दिन हो गए, 2 दिन से कॉपी ट्रेडिंग में कोई ट्रेड नहीं लगी है, सही है, तो वो इंशाल्लाह मैं, मुझे क्योंकि मैं ट्रेवलिंग में था तो मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे, तो इंशाल्लाह वो भी आप लोग के अकाउंट में हो जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने सिस्टम बदला ना अपना, तो सिस्टम बदलने की वजह से दोबारा मुझे सबके अकाउंट री अटैच करने पड़ गए थे, ये मसला आया था, इसकी वजह से टाइम लग गया। और किसी अच्छा, सही हो गया। भाई का कोई भी सवाल है मार्केट से रिलेटेड, कोई सवाल है, कोई और कोई सवाल है, मार्केट पहले रिवर्स हो गई हमारा, मार्केट का आज का जो रिट्रेसमेंट एरिया था, रिट्रेसमेंट एरिया हमारा दोबारा वही एरिया था जहां से मैंने सिग्नल दिया था, 28 to 30 का एरिया था, प्राइस 33 से ऊपर रिवर्स हो गई, गोल्ड को तो अभी कंटिन्यू बुलिश ही जाना है, और लेकिन अच्छा जी, किसी और कोई और सवाल? आजाद भाई, एक सवाल है आपसे। जी भाई पूछें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। आजाद भाई, मुझे ये पता करना था कि अभी ग्लोबल पे बैंक वायर के थ्रू है सर्विस मौजूद है, बैंक वायर से, बैंक जी बैंक वाले थ्रू है उसमें सर्विस। वायर के थ्रू है। चलिए ठीक है आजाद भाई, फिलहाल तो मैं ऑक्टा पे था, आपसे मेरी पर्सनल मैसेज पे भी बात हुई थी, मैं ऑक्टा से फिर एक काम करता हूँ, कैश आउट लेके अपना और फिर एबिट पे अकाउंट वो कर लेता हूँ, ईद से पहले पहले इंशाल्लाह, थोड़ा टाइम बचा इंशाल्लाह हो जाएगा। देखिए असल में ना हम वीपीएस लेके करते हैं ना ईद के बाद, एक दूसरी भी चीज है, जिन लोगों को अगर अपना ब्रोकर नहीं चेंज करना, सही है, जिन लोगों को ब्रोकर नहीं चेंज करना, ब्रोकर मैं इसलिए चेंज करा रहा हूँ कि बाद में होता ये है कि एग्जैक्ट एरिया से नहीं लगती, कुछ पंचायतें आ जाती हैं ट्रेड करती नहीं, जिनको अगर नहीं चेंज करना ब्रोकर नहीं करें चेंज, मैं उनसे फीस लूंगा, सही है, वो फीस पे करें, सही है, फीस पे करके उसमें भी आ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। बजाज भाई, एक चीज सॉरी आपकी बात काटता हूँ, मैंने ऑक्टा पे 2-3 चीजें ऐसी फील की जो मतलब मुझे पॉजिटिव नहीं लगी। एक तो ऑक्टा पे ये कुछ भी है कि पॉजिटिव नहीं है, मतलब ऑक्टा हाँ कुछ भी एग्जैक्टली पॉजिटिव नहीं है।
जैसे कि मतलब उन्होंने जो है हाफ लॉट क्लोज करने का ऑप्शन जो है, अगर हाफ लॉट क्लोज करते हैं तो वहां ट्रेड ऊपर शिफ्ट कर देता है, वो हाफ लॉट अपनी इनिशियल पोजीशन से वो कट डाउन नहीं होती, मैंने ये चीज नोटिस की। ये भाई इस लाइव सेशन में हमारे साथ एक बहुत पुराने ट्रेडर हैं वासिक भाई ना, उनसे पूछिएगा ऐसा किसी ब्रोकर में नहीं होता। ऑक्टा पता नहीं क्यों कर रहा है। असल में वजाद भाई ऑक्टा की ये खासियत है, वो काम करते हैं जो कभी किसी ने नहीं सुना होगा। ये वासिक भाई बोल रहे हैं अभी। वासिक भाई यार ये कब से होने लग गया। यार मैं खुद पहली दफा सुन रहा हूँ कि उसकी पोजीशन ऊपर से आ जाती है, मैं तो समझ में ही नहीं आई मुझे भाई कहना क्या चाह रहे हैं। सर जी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब मैंने मोबाइल के थ्रू हाफ लॉट क्लोज हो जाती है, लाइक सपोज मेरी पोजीशन है जैसे 1910 पे मैंने पोजीशन ली थी, मार्केट जो 1930 पे, अब मैं 0.02 के अगर लॉट से हूँ तो मैं हाफ लॉट क्लोज करूंगा तो वो पोजीशन वहां शिफ्ट हो जाती है। 1930 पे क्लोज किया आपने, मैंने हाफ लॉट क्लोज किया तो 1930 पे 0.01 की एक नई ट्रेड आ जाएगी, वो प्रॉफिट पूरा कट जाएगा। लेकिन हाफ लॉट क्लोज करने का मतलब तो ये कि पोजीशन तो चेंज नहीं होनी चाहिए ना ट्रेड की। ये वो वजाद भाई उनका सिस्टम मैनेज का कुछ और होगा सिस्टम, जैसे वो हम हाफ क्लोज कर देना तो वो उस क्लोजिंग को वो वहां पे शिफ्ट कर देते होंगे अपने सिस्टम के हिसाब से। वो असल में बंदों को घुमाना भी तो है ना कहीं पोजीशन को ऊपर नीचे करके लॉस आगे पीछे करेंगे वो। ऐसा ही है। देखिए ऑक्टा का, ऑक्टा के खिलाफ तो बहुत से मुल्कों में इस तरीके से वहां की गवर्नमेंट और बहुत से मुल्क जो है वो ऑक्टा के खिलाफ तो बहुत ज्यादा आवाज उठा रहे हैं। ऑक्टा तो प्रॉपर ही लोगों के साथ जो है बहुत बुरा कर रहा है। असलाम वालेकुम सर, विड्रॉ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, इमरान बात कर रहा हूँ रिंगर खान से। अच्छा वालेकुम सलाम जी। एक्सनेस सर, एक तो आप एक्सेस के बारे में बताएं कि एक्सेस कैसा ब्रोकर है, अच्छा ब्रोकर है, बुरा नहीं, अच्छा ब्रोकर है। उसके साथ हम काम कर सकते हैं। एक्सनेस के साथ आप काम कर सकते हैं। मैं बेसिकली जिस भी ब्रोकर में देखें, मैं सलाम वालेकुम वालेकुम सर, सर अस्सलाम इमरान भाई देखें, वीजा इफेक्ट्स का बताइएगा। वीजा नहीं मैं रिकमेंड नहीं करता, इफेक्ट्स का नहीं करते सर आप। मैं रिकमेंड करता, सलाम वालेकुम वजाहत भाई, एक्सनेस पर आज बहुत बड़ी भंड हुई है। क्या बन रही है बताएं। न्यूज बात करूं कराची से, जब गुड की न्यूज लगी है ना तो डॉलर इंडेक्स को जो है ना उसने गैप से ओपन किया और इधर बाकी तमाम ब्रोकर्स पर जो है ना प्राइस 36 2036-37 तक चली गई थी और इस पर जो है ना 30 पर रही। फिर बाद में वैसे एकदम मैंने एक्सनेस खोल के नहीं देखा। इमरान भाई एक्सनेस में कुछ मसले मसाइल हैं, जैसे न्यूज टाइम पे इश्यूज आते हैं, मसले मसाइल जी हैं एक्सनेस में, लेकिन विड्रॉ का कोई इशू नहीं सुना मैंने अभी तक। सही है, जी विड्रॉ आपको मिलता है उसमें, सही है। जी जी ऑक्टा में तो विड्रॉ के इशूज मैंने सुने, 15 दिन से महीने तक का विड्रॉ का इशू आ जाता है, लेकिन एक्सनेस में मैंने विड्रॉ के इशू नहीं सुने। बाकी मैं एक्सनेस खुद से खुद यूज नहीं करता इतना, लेकिन मैंने लोगों से सुना है, अच्छी तारीफें ही सुनी है, तो इसलिए बस सुनी सुनाई बातें हैं ये। मैं खुद वैसे नहीं एक्सनेस यूज करता। और एक्सएम न्यूज की पे बात करो, मैंने एक्सएम एक्सएम, यार एक्सएम अच्छा है, लेकिन एक्सएम विड्रॉ भी देता है, लेकिन एक्सएम का स्प्रेड बहुत ज्यादा ये आप एक्सएम। हमारे ए बैट जो कह रहे हैं, आप हमारा जो ये नया ब्रोकर है इसके बारे में आप क्या कह भाई इसका स्प्रेड जो है ना, इसका स्प्रेड एक्सनेस जैसा है, सही है। और मतलब एक्सनेस का सबसे अच्छा स्प्रेड माना जाता है ना, लोग एक्सनेस के स्प्रेड को बहुत अच्छा कहते हैं, जी तो जी एक्सनेस जैसा स्प्रेड है। और दूसरी चीज, अपना विड्रॉ में कोई इशू नहीं है, न्यूज टाइम पे कोई इशू नहीं आ रहा लोगों के साथ, जी और कोर्स नहीं आ रहे, जैसे कि अक्सर लोगों की ट्रेड्स बहुत प्रॉफिट में चली जाती है और मार्केट वॉलेटाइल होती है, तो अक्सर ब्रोकर जो है वो कर देते हैं ऑफ कोर्स, उस टाइम लोगों की जी ट्रेड नहीं कटती है, तो जी ये इश्यूज आते हैं कुछ लोगों को एक्सनेस में। ऐसे एक्सनेस अच्छा है, और एक्सनेस का सिर्फ एक ही इशू है कि एक्सएम जो है बस स्प्रेड बहुत दे रहा होता है। लेट से स्प्रेड के अलावा भी एक्सएम पे अगर आपकी 15 से 18 पिप ट्रेड पॉजिटिव होगी ना, लेकिन आपका प्रॉफिट आपको दिखेगा 8 से 10 पिप का। जी बड़े मसले मसाइले हैं एक्सएम में ये। बाकी ये विड्रॉवल्स देता है एक्सएम, विड्रॉवल्स में इशू नहीं देता है एक्सएम। नहीं एक्सएमएस और एक्सएम विड्रॉ का कोई इशू नहीं, इनका डिफॉल्ट का कोई इशू नहीं है। मैं सर ये पूछ रहा हूँ जो हमारा ए बैट जो हमारा नया ब्रोकर आप रिकमेंड कर रहे हैं, इसमें ये भाई ट्रस्टेबल है, इसकी क्या श्योरिटी क्या गारंटी है, क्या मामला था इसके? ट्रस्टेबल है, मैंने अपना अकाउंट खुला हुआ। और देखिए भाई सिंपल सी बात है इमरान भाई, सिंपल सी एक बात है कि मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ, तो यार मैं ये तो नहीं चाहूंगा कि मेरे बोलने पे या मेरे बोले हुए कोई भी बंदा आएगा और उसको नुकसान, सही है, या मुझे नुकसान हो या उसको नुकसान हो, बात एक ही बनती है घूम फिर के। तो इसलिए मैंने अपना भी अकाउंट इस पे कराया। और होता यह है जैसे कि आप लेट से हम एक टीम की तरह काम कर रहे होते हैं, तो पूरी दुनिया का माइक ब्रोकर बंद करवा हो, दे, माइक बंद करवा दे, समझ नहीं आ माइक बंद कर लें भाई अपने, जिसका माइक ओपन है कर दिया मैंने। देखिए होता यह है इमरान भाई कि लेट से मैं अपने साथ एक टीम लेके चल रहे हैं, हम लोग टीम के साथ तरह काम कर रहे हैं सब ना, जी सर, जी तो सर, अब हम किसी भी ब्रोकर में होते हैं ना, तो अगर हम टीम की तरह काम कर रहे होते हैं तो टीम का कोई भी लीडर हो, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, हम में से टीम मेंबर्स का कोई भी मसला मसाइल आया हो, तो जब एक बंदा बोलता है ना कि ये मसला इनका रिजॉल्व करो, सही है, तो वो रिजॉल्व हो जाता है। अभी कोई इंडिपेंडेंट बंदा होता है ना, इंडिपेंडेंट बंदे की बात इतनी नहीं सुनी जाती। क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि जब एक टीम की तरह होता है तो ब्रोकर खुद ही
चाहते या ना चाहते बात मानता है। अकेले बंदे की कोई नहीं, कोई भी ब्रोकर दुनिया का नहीं मानता, बड़े बड़े ब्रोकर वो नहीं मानते। थिंक मार्केट है, आईसी मार्केट है, अकेले इंडिपेंडेंट बंदे की नहीं मानता। ये मेरी काफी सारे ब्रोकर से मीटिंग हुई है, जब हमने काफी सारी चीजें देखी हुई है, जब हम टीम की तरह काम कर रहे होते हैं चीजें हमारी इजीली रिजॉल्व हो रही होती है, विड्रॉवल्स टाइम पे मिल रहे होते हैं। क्योंकि देखें विड्रॉ अगर एक टीम है, अब लेट्स से हम टीम सब लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, तो अगर इंडिविजुअल कर रहे होते हैं और सिर्फ प्रॉफिट कर रहे होते हैं तो ब्रोकर को कहीं ना कहीं खटकते हैं लोग, सही है। लेकिन जब एक टीम कर रही होती है तो उसमें पूरा प्रॉपर ये बात हुई होती है कि यार अच्छा हम आपके उस पर काम करेंगे, लेकिन हमारे विड्रॉवल्स में, हमारी ट्रेड में, इन चीजों में हमारे साथ कोई मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए। फिर नहीं होती मैनिपुलेशन तो फिर हम काम कर रहे होते हैं। अब ये एबिट को मैंने अपने 3 महीने टेस्ट किया है, मतलब कोई 8-10 बंदों के साथ, हमारी टीम के जो मेंबर्स हैं उनके साथ मिलके इसको टेस्ट किया है और अच्छा विड्रॉ लेके टेस्ट किया है। उसके बाद फिर सारी चीजें, दूसरे भी इनके बहुत सी चीजें होती हैं, वो चीजें भी चेक करने के बाद फिर काम कर रहे हैं। और देखें किसी ना किसी का हमें ट्रस्ट करना पड़ता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें हुई हैं, जिस वजह से भाई देखें मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, पाकिस्तान में भी बैठा होता हूँ, बाकी जगह भी होता हूँ। अगर मैं कहीं कुछ गलत कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट कुछ भी होगा, अभी तकरीबन पार्टिसिपेंट्स 27 है इस वीडियो में, सही है, इस लाइव सेशन में कुछ भी होगा, ये लाइव है, आप सबके सामने कोई भी बता देगा यार इसने ये 2 नंबरी करी है, इसने वो 2 नंबरी करी है, इसने ये करा, इसने वो करा, सब ओपन है भाई, बोल दो अगर कोई चीज है, सबूत दिखाओ सामने, मामला क्लियर। नहीं वो आपकी बिल्कुल बात ठीक है, आपके ट्रेड में बिल्कुल सीखा का ट्रेड का ठीक है, लाइव ट्रेड करवाते हैं आप, ये भी ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये है कि आप कॉपी ट्रेड जब हम करेंगे या आपके लिंक से कॉपी ट्रेड होगी जी, तो किसी का अकाउंट $100 का, किसी का अकाउंट 200 का, किसी का 1000 कैसे होगा, मतलब हर किसी का अपनी जो इक्विटी होगी उस हिसाब से जब हम कॉपी आर लगा रहे होते हैं ना इमरान भाई, तो हम अकाउंट साइज देख के उस हिसाब से कॉपी आर में ऑप्शन होता है कि हमें क्या लॉट साइज रखनी है इसके अकाउंट पे, बंदे के अकाउंट पे, सही है। उस हिसाब से फिर हम जो है लॉट साइज रखते हैं। लेट्स से अगर किसी का $500 का अकाउंट है या कितने डॉलर का भी अकाउंट है, तो उस हिसाब से उस पर लॉट साइज एड हो जाती है। अब मेरे अकाउंट से कितनी बड़ी या कितनी छोटी भी लॉट लगे, सही है, मास्टर अकाउंट से, उसके अकाउंट पे वही लॉट साइज लगेगी जो मैंने उसके अकाउंट पे सेट की हुई। अगर हम आपके अकाउंट पे 10 या 12 ट्रेड्स लगी इकट्ठी, आपने इनके ट्रेड छोड़ी 10-12 मगर एक एक बंदे का $100 का या $50 का अकाउंट है, उस पे भी अगर फर्ज़ मिनिमम 0.01 की लाड़ लगती है उस पे, तो उसी पे भी 10-12 इकट्ठी लगेंगे या उस पे आप सेपरेट लगा होगा, एक या दो ट्रेड। ये आपने बहुत अच्छी बात करी इमरान भाई, मैंने 3 अकाउंट बनाए हुए, सही है, $100 वाले बंदे का अकाउंट बनाया हुआ है, मतलब जो $100 से $500 के दरमियान है, उनकी उनके अकाउंट के लिए एक अलग मास्टर अकाउंट है, जो 5,000 से 3,000 वाले हैं उनके लिए एक अलग मास्टर अकाउंट है, मतलब 1,000 से लेके 5,000 तक उनके लिए अलग मास्टर अकाउंट है, इसको ए बी और सी ग्रुप के नाम से बोल रहा हूँ मैं, सही है, आपने सुना होगा। और जो 10,000 से मतलब 5,000 से अपवर्ड 50,000 1,00,000 2,00,000 5,00,000 जितनी बड़ी भी इक्विटी है हम मैक्सिमम लगा लें, उनके लिए एक अलग अकाउंट है, सबके लिए अलग अकाउंट डिफरेंशिएट हुए, ताकि सबके उस पर अलग उससे होती है ट्रेड। अब कभी किसी दिन जब मार्केट दिखती है कि मार्केट ऐसी कंडीशन में कि इसमें मैक्सिमम हम ट्रेड्स ओपन कर सकते हैं, तो फिर ग्रुप सी में मैं ट्रेड करता हूँ जो बड़ा अकाउंट है, सही है। जब मुझे लगता है कि यार अभी मार्केट से वन साइड मूव देगी या छोटे मूव देगी या इतना मजा नहीं आएगा मार्केट में, तो ग्रुप ए में आता हूँ जिसमें सबसे छोटे अकाउंट्स हैं। फिर इस हिसाब से जब लगता है 2-3 मूव लेने मार्केट के, तो ग्रुप बी में ट्रेड हो जाती है। ऐसा नहीं है कि एक कॉपी ट्रेड होगी तो वो ग्रुप तीनों ग्रुपों में होगी, एक वक्त में अलग अलग सेपरेट कैटेगरी बनाई हुई, क्योंकि अब जो बंदा $100 डिपॉजिट करके ट्रेड कर रहा है उसके पास इतनी उसमें बनना उसमें वो है कैपेबिलिटी है कि वो इतनी बड़ी लॉट्स देखेगा, वो परेशान हो जाएगा ज्यादा लोगों। जी जी सर, अगर सर अगर मेरा जैसा बंदा अगर $50 भी इन्वेस्ट करता है तो उसकी इजाजत है आपके पास या $100 मैक्सिमम? इमरान भाई मैं आपको लिटरली बताऊं, अभी आपको 50 से आना है 100 से आना है, क्यों 50 वाले मैंने 3 अकाउंट अभी अटैच करें, 50 से आना है 100 से आना है, कितने से भी आ जाए कोई मतलब नहीं है। ईद के बाद से मैं अपना मिनिमम $1,000 से कम में कॉपी ट्रेड लूंगा ही नहीं, उसकी वजह यह है कि मुझे प्रॉपर ईद के बाद से जो है सेटअप को लेके चलना है मिनिमम 7 से 8 महीने। अब 7 से 8 महीने जब मैं कॉपियर को लेकर चल रहा हूँ तो उस पर छोटे अकाउंट्स होते हैं ना उनमें बड़े मसले मसाले आते हैं, क्योंकि छोटे अकाउंट्स वाले जो लोग होते हैं वो बोलते हैं हमें इतना चाहिए हमें इतना चाहिए हमें इतना चाहिए, तो बहुत वो फिर खिचपिच मच जाती है। इसलिए जो जिनके पास इक्विटी होती है उनको मार्केट का भी आइडिया होता है और उनको समझ होती है, तो उस हिसाब से जाने देते हैं। जी जी ये सारी भाई। जी भाई मेरा एक सवाल है कि मेरे पास इक्विटी तो आपको पता है मेरे पास मैंने $120 समथिंग कुछ किए, सही है, कोई मतलब नहीं, और आपकी एक ट्रेड लगी है और उसमें मेरी भी कुछ ट्रेड मैंने लगाई है, मुझे मार्केट का आइडिया है मगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मैं इस सोच में था कि आप मेरा अकाउंट ग्रो करेंगे इसके बाद मैं ग्रुप चेंज करता रहूंगा बार बार। यार आपकी बात बिल्कुल सही है, इस तरीके से कर लेंगे। मैं अभी जो है ना ईद से एक महीने, ईद के बाद भी एक महीना हम इस तरीके से कंटिन्यू रखें कि $100 वालों को भी, ताकि उनकी इक्विटी ग्रो हो जाए।
वो तो बात ठीक है, वो तो मुझे पता है आप जो कह रहे हैं, मगर मुझे मैंने जितनी मैंने शुरू में जब ट्रेडिंग स्टार्ट की ना, मैं 7-8 महीने पहले से बात कर रहा हूँ, साल हो चुका है मुझे इस ट्रेडिंग में। सिर्फ डेमो पे मैंने किया है, शुरू में रियल अकाउंट पे किया तब मुझे आइडिया नहीं था, फिर मैंने डेमो पे इतना सीखा है जिसकी कोई वो नहीं है। अब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की, मैंने सोचा कि मैं खुद से तो इतना नहीं कर सकता, मगर एक कोई सपोर्ट मिले, मेंटोर मिले, तो मैं खुद से भी कर रहा हूँ और आपकी बताए हुए सिग्नल्स भी कर रहा हूँ खुद से भी। अभी जैसे मैंने अभी $1 की ट्रेड ली है, मुझे एक सपोर्ट मिला, मैंने वहां से ट्रेड ली, $1 पे बंद कर दी, मैंने बस बस नॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट हो, मेरा अकाउंट ग्रो होता रहे बस। सही, तो आपके आपने मीन्स शायद आपने $2.5 का मुझे एक ट्रेड पे प्रॉफिट दिया था, वो मेरे लिए इनफ था। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा अकाउंट एक साथ $50 प्रॉफिट मिले, नहीं, आपने लेकिन लॉट से इक्विटी ट्रेड के लिया। हिसाब से ना, इक्विटी के हिसाब से हाँ ना, वही तो, मुझे इस चीज का आइडिया, मुझे इस चीज का आइडिया। अब आपने $2.5 का प्रॉफिट किया है और मैंने तकरीबन उसमें $3.5 का मैंने प्रॉफिट किया है, $6 का प्रॉफिट हो चुका है मेरे अकाउंट में सही है। 4 दिनों में, $6 का प्रॉफिट। अब मेरे को तो आइडिया है इस चीज़। अब मैंने ये सोचा था कि मैं 6-7 महीने मजाद भाई के साथ अकाउंट ग्रो करूंगा, फिर ग्रुप चेंज करते करते मैं अपना अकाउंट को उस लेवल पे आऊंगा, फिर मैं अपने प्रॉफिट निकालूंगा। मैंने इस सोच में इस मैंने इस सोच के साथ आपके साथ वो किया था। मुझे इस चीज़ का सवाल, ये सवाल है कि जैसे आपने उसका बताया है ब्रोकर का, आपने जो ब्रोकर का बताया है वो सिर्फ वेबसाइट है, मुझे इस चीज़ का डर है। मैंने क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च की है, मैंने हर चीज़ की है, वेबसाइट बहुत सारी ऐसी होती है जो बंद हो जाती है। अब ब्रोकर बंद होते नहीं होते, मुझे इसकी आइडिया नहीं है, वो आपके लेकिन बंद, मैं आपको बताऊं, बंद होने पे तो सारी चीजें बहुत आसानी से और बहुत ऐसे बंद हो जाती हैं। FTFS इतना बड़ा एक्सचेंज, सही है, दूसरे नंबर पे एक्सचेंज आ रहा था, FTFS नाम था, FTFX नाम था ना, नहीं है, FTFX ही नाम था, एक बड़ा बेहतरीन ब्रोकर था, वो एक्सचेंज था FTFX, आप लोगों ने सुना होगा। उसके साथ भी मसला हो गया, मसला आने में तो हमें किसी ना किसी पे तो ट्रस्ट करना ही है, और अदरवाइज देखें हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो हम पे PMEX में चले जाते हैं, तो PMEX में हम इतने कमीशन दे रहे हैं, इतने ये सारी चीजें दे रहे हैं, हम लेके घर में ₹100 आते हैं, तो मतलब अगर हम ₹100 कमाते हैं तो 50 से 60 रुपए हम खुद कमीशन दे देते हैं और घर में ₹40 लेके आते हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा हाँ, तो हमें करना पड़ता है। और उसके अलावा मैं आपको जो अभी मैं लेट से इससे पहले एक ब्रोकर एक था फिनटेक ग्लोबल ना, फिनटेक, तो उसमें जो है उसमें काफी सारे लोगों को मैंने बोला था कि आए, लेकिन कुछ वजूहत की वजह से फिनटेक जो है वो ऑपरेशंस पाकिस्तान में क्लोज हो रहे थे, तो उन्होंने मुझे 1 महीना पहले बता दिया था, 1 से 1.5 महीना पहले बता दिया कि हम अपने ऑपरेशंस क्लोज कर रहे हैं। मैंने उनसे ये बात करी थी कि जितने भी जो आपके पास जितने भी जो लोग हैं आप उनको भी पर्सनली मैसेज कॉल करके बोल दें कि फिनटेक क्लोज हो रहा है और आप उनके अमाउंट रिटर्न करते हैं, तो उन्होंने उनकी अमाउंट रिटर्न कर दी। मैंने भी उन्हें बोल दिया था जितने मेंबर्स थे कि आप पहले लगे थे पाकिस्तान में, हां आप अपनी अमाउंट विड्रॉ कर ले तो उनके सबकी अमाउंट मिल गई थी, तो ऐसा अगर कुछ भी होगा तो आपकी अमाउंट कहीं नहीं जाएगी, इंशाल्लाह आपकी सबकी अमाउंट आपको मिल जाएगी। आप अपना विड्रॉ करें और विड्रॉ करके ब्रोकर में जो है डिपॉजिट करें, देखा आपका कन्वर्ट आपकी किस में अमाउंट है? सर मेरी वीजा एफएक्स में है, $100 पर है। तो भाई आप विड्रॉ कर लें, विड्रॉ कर लेंगे आप, विड्रॉ ले लें बैंक अकाउंट में आप, भाई आप विड्रॉ नहीं यार, वो ट्रस्टेड नहीं है मेरे हिसाब से, तो मैं नहीं कर सकता, बहुत से कंपनियां हैं। सर आपका वाला ब्रोकर, आपका वाला ब्रोकर उसकी बात कर रहा हूं मैं, आपको मेरा उस पे बना हुआ है, मैंने आपके वाले ब्रोकर पे बना लिया मैंने आईडी। आपने बना लिया, आप जस्ट जाएं, आप अमाउंट अपनी वीजा एफएक्स से विड्रॉ लें और विड्रॉ लेने के बाद फिर आप उसमें डिपॉजिट करते हैं। विड्रॉ पैटर्न आपके पास USDT है, सही है, उससे आप ले सकते हैं, और दूसरा आपके पास विड्रॉ पैटर्न बैंक वायर है, मतलब बैंक में अपने बैंक में विड्रॉ ले लें। आपने कहा था कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट आप चलाएंगे, बिल्कुल, तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट चलाएंगे आप, डिफरेंट ग्रुप के बनाए हुए आपने, ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी जो है, अभी मैंने जो है जैसे सिग्नल्स के लिए या कोई बात के लिए, अभी जो आपने जिसमें आपको लिंक मिला है कम्युनिटी वाला, अभी आपको कम्युनिटी वाले में ही ब्रॉडकास्ट के जरिए सिग्नल और बाकी चीजें आ जाएगी, क्योंकि लोगों के इतने सारे मैसेजेस हैं, तकरीबन कोई आज मैंने इतनी मेहनत करके मैसेजेस क्लोज कर वो खत्म करे थे पढ़ पढ़ के, तो उसके बाद भी कोई 400 से 500 मैसेजेस रह गए अनरीड, तो लोगों को रिप्लाई देने में और चीजें करने में बड़ा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से वो जो अलग ग्रुप्स बनाने थे मुझे उसमें टाइम लग रहा है, तो मैंने सबको कम्युनिटी में अभी ऐड कर दिया है, फिर बाद में डिफ्रेंशिएट में कर दूंगा सबको ना, पर्सनली लिंक दे दूंगा कि आप इस ग्रुप में आ जाए, आप इस ग्रुप में आ जाए। मुझे बस एक चीज का है कि आपके पास इतनी एजुकेशन है सर, आपके पास इतनी एजुकेशन है,
मगर आप हमें उस तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं। मुझे सम मुझे मैंने आपकी इस तरीके से वीडियोस नहीं देखी, मगर मुझे आपसे सीखना है पर्सनली, या कुछ इस तरीके से, या आप यूट्यूब पे अपलोड करें या फेसबुक पे या कहीं भी, पर्सनली आप प्रॉपर तरीके से समझाएं कि चार्ट इस तरीके से वर्क करता है, टेक्निकल पर इस तरीके से, फंडामेंटल फंडामेंटल इस तरीके से वर्क करता है। मुझे ये चीज़ बहुत सीखनी है, मगर ऐसे कोई भी आप कोई सजेस्ट करते हैं यूट्यूबर या कोई ब्रदर, ऐसा आप बंदा? मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं कि आप ये क्लास पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं अभी? हेलो नहीं भाई, सर, मैंने बहुत बार लिया आपकी क्लास। अच्छा, तो उसमें मैं मजाक चीजें भाई, बता आपकी रही हूँ, आवाज बहुत सुन रहे। उसमें ब्रदर मैं बता रहा होता हूँ कि हमें कैंडल फॉर्मेशन देखनी होती है, हमें ये लेवल्स देखने होते हैं, हमें रिट्रेसमेंट की चीजें आपने देखी हैं? मैंने सर, मैं ज्यादा, मैं जो ट्रेड लेता हूँ ना अपने अभ्यास पे, मैं सपोर्ट पे जो कैंडल बनती है, मैं सपोर्ट ढूंढता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे, सही है, कैंडल्स ढूंढता हूँ, फिर कैंडल्स बनने के बाद, जैसे मैंने अभी एक ट्रेड ली, आपकी क्लास चल रही थी और मैंने पीछे से एक ट्रेड ली है जो मेरी $1 या समथिंग कुछ प्रॉफिट में गई और मैंने क्लोज कर दी। तो सही मैं ये चीजें नोट करता हूँ कि कहाँ से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कहाँ से सपोर्ट ले ली है, 2 बार सपोर्ट ली, तीसरी बार सपोर्ट ली, मैंने वहां से प्रॉफिट में लिया, बुक किया 50 सेंट, $1 जो भी है, मैंने क्लोज कर दी ट्रेड। जी। अब मैं आपको बताऊं, देखिए ये आपके सामने चार्ट ओपन है ना हमारा, जी, इस चार्ट में आमिर भाई आवाज आ रही है? आप मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा के देखें, बहुत स्लो है। बाकी बंदा ने मैसेज किया, चेक करें मैसेज, आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी। अच्छा, चलें सही है, आवाज अब क्लियर आ रही है मेरी? मैं थोड़ा जोर से बोल रहा हूँ, अब आवाज क्लियर आ रही है? बस चलें सही है। अच्छा जी, अभी आप ये देखें यार, अपना नाम तो बताएं, 2086 आपका नाम बताइए, आपका 2086 नाम? इब्राहिम नाम, इब्राहिम नाम, इब्राहिम नाम। अच्छा इब्राहिम, ये देखें सिंपल सा, हमारे सामने हमने H1 का चार्ट खोल लिया, सही है? अब ये देखें इब्राहिम, क्रॉस यार मैं ला रहा हूँ, ये देखें यहाँ पे प्राइस सेल दिखा रहा था, मैं इस एरिया में दिख रहा है आपको? यस सर। यहाँ पे सेल दिखा रहा था, सेल का लास्ट जो हायर लोअर हाई था वो यहाँ था 2000 पे, सही है? ओके, यहाँ था सेल का लास्ट लोअर हाई, जब यहाँ पे लास्ट लोअर हाई ब्रेक हुआ ना, ये मैं आपको इंडिकेशन बता रहा हूँ सिंपल, आपको जल्दी ट्रेंड में बैठने की ना, एक दफा जब यहाँ पे ये एरिया ब्रेक हुआ, सही है, तो ये एरिया ब्रेक होने के बाद आपने सिर्फ बाइंग की ट्रेड देखनी थी। अच्छा, आपने बाइंग की ट्रेड कहाँ से देखनी थी? आपने बाइंग की ट्रेड देखनी थी इस एरिया के रिट्रेसमेंट से, सही है? यस सर। इस एरिया के रिट्रेसमेंट एरिया कौन सा बनता है? ये वाली आप इन्वर्टेड हैमर देख रहे हैं, ये वाली कैंडल, यस सर, इस इन्वर्टेड हैमर की आपने विक पे लाइन लगा ली, सही है, दिख रही है आपको? यस सर। इस इन्वर्टेड हैमर की आपने विक पे लाइन लगा ली क्योंकि यहाँ पे प्राइस गया ऊपर और यहाँ से फॉल हो गया था, सही है? यहाँ से आपको एक बड़ा फॉल दिखा, तो ये बहुत क्रूशियल एरिया था। फिर प्राइस जब इस एरिया पे आया ना अगेन, सही है, ये मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊंगा, पहले मैं आपको यहाँ से भी आपको दिखा दूंगा, क्लियर कर दूंगा। अगेन जब इस एरिया पे आया, इस एरिया से सिर्फ एक दफा प्राइस को गिरना था, दूसरी दफा प्राइस इस एरिया से नहीं गिरेगी जिस एरिया से एक दफा गिर चुकी है करंट मार्केट में, सही है? तो ये एरिया ब्रेक करा, आप चार जब आप देख रहे थे इस एरिया पे दोबारा है, तो आप यहाँ से भी एक बाइक ट्रेड ले सकते थे क्योंकि ये एरिया ब्रेक होना था, सही है? ये मैं अभी भी आगे भी कंडीशंस दिखाता हूँ ये वाली। फिर प्राइस आपने चले यहाँ पे नहीं ली ट्रेड, प्राइस ऊपर गई 2007 तक, सही है? 7 से जब नीचे दोबारा आई आपके उसी एग्जैक्ट एरिया पे, पहला टच था ये, सही है? हम अगर पहला टच लेंगे ना ट्रेडिंग में तो हमें कभी लॉस नहीं होगा मार्केट में। आपने यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करी 1995 से, यहाँ से आप देखें फिर आपका प्राइस ऊपर ही आपको जाता दिखा, सही है? तो सर आप ये बोल रहे हैं कि सपोर्ट सपोर्ट जब टूट जाए, जब फिर वो रेजिस्टेंस बन जाए, तो आप ट्रेड लें उस वक्त? मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस थी, सही है, पहला टच ले लिया रेजिस्टेंस ने और आपको एक सेल का मूव दे दिया, अगेन जब रेजिस्टेंस पे प्राइस आएगी तो वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगी, ओके, और वो ब्रेक होने के बाद प्राइस ऊपर निकल जाएगी, देखिए जैसे ऊपर निकल गई प्राइस। अब लेट्स से हमने H1 में यहाँ पे देखते हैं, ये आपको दिख रही है सेलिंग यहाँ से क्रॉस किया, ये एक दफा ये एरिया ब्रेक हो गया, ये अब हमारा था प्राइस का लोअर हाई। अब जब दोबारा प्राइस इधर आई ना, तो प्राइस ने जब बड़े टाइम फ्रेम में हम देख रहे होते हैं, तो बड़े टाइम फ्रेम में लोगों को प्राइस बिठाती है कि आओ, एक दफा गिरी है ना प्राइस वहां से, तो वहां पे कुछ ऐसी कैंडल्स दिखाएगी प्राइस कि लोगों को बोलेगी आओ आओ सेलिंग में बैठो, सही है? थोड़ा बहुत उनको 30 से 40 का प्रॉफिट भी देगी, सही है? उसके बाद जब 30 से 40 पे प्रॉफिट होगा ना उनका, तो वो एक और ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, वो एक और ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और फिर मार्केट दिखाएगी अपना असली रंग और फिर मार्केट निकल जाएगी बाय में। देखें यहाँ पे लॉजिक दी प्राइस ने, लोगों को एंट्रीज कराई, लोगों की एंट्रीज कराने के बाद लोगों कितना
15 पिप या 20 पिप या 30 पिप लगा ले, 30 पिप दे दिया लोगों को प्रॉफिट, फिर प्राइस ने दोबारा एक हाई बना दिया, सही है? यस सर। अच्छा अगर प्राइस, आपके लिए और आसानी करता हूँ, बाकी जितने भी लोग हैं उन्हें भी चीज समझ आएगी, अगर ये जो ये वाली कैंडल है सही है, ये जो प्राइस यहाँ से उठ गई सही है, ये प्राइस अगर दोबारा यहाँ तक आ जाती 1995 तक, 1995 तक अगर दोबारा आ जाती तो हमारी बाय की कंडीशन नहीं होती, हमारी सेल की कंडीशन बनती यहाँ पे अगर ये दोबारा आ जाती इधर, मतलब ये कैंडल उठने के बाद प्राइस दोबारा यहाँ तक आ जाती अगर, सही है? तो हमारी कंडीशन सेल की बन जाती, बाय की नहीं बनती। लेकिन प्राइस ने देखें कितनी खूबसूरती दिखाई, ये एक इन्वर्टेड थी, ये मतलब डॉजी थी, डॉजी देखिए ये एरिया ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद यहाँ से टेस्टिंग ली, टेस्टिंग लेके दोबारा ऊपर गई, ऊपर जाके इसी एरिया से जो 2000 का था, 2000 से 2001 का एरिया देख रहे हैं आप जी, यहाँ से आई और यहाँ पे आके प्राइस ने दोबारा बुलिश मूव दे दिया। अब एक चीज जो आपके दिमाग में आ रही हो या नहीं आ रही हो मैं आपको क्लियर करता हूँ, अब हमारा ट्रेंड था बुलिश, मार्केट पूरी दुनिया को देखते हुए हमने दिमाग में बिठा लिया था कि बार गोल्ड बाय ही जाएगा और कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है। फिर क्या हुआ, प्राइस थोड़ा सा नीचे गिरा, फिर एकदम से प्राइस उठा, प्राइस फिर एकदम से यहाँ पे गिरा यहाँ तक, यहाँ से प्राइस में न्यूज का मूव आया, 2028 तक गया प्राइस, सही है? यस सर। अब कल के दिन में क्या हुआ, जब 2028 पे यहाँ पे प्राइस गया ना, तो मैक्सिमम बहुत सारे लोगों ने, जब इतनी बड़ी कैंडल दिखती है ना लोगों को, तो लोग तबाह के बारे में बैठे या सेल के ऊपर सेल में बैठे। हुआ क्या, यहाँ पे लोग बाय में बैठना स्टार्ट हुए, अगली देर प्राइस ने सेल का मूव दिया और उस बाय की कैंडल को ब्रेक कर दिया, नीचे आ गई। यहाँ पे लोगों का बाय का स्टॉप लॉस खा दिया, क्योंकि अच्छा खासा तकरीबन 150 से 200 पिप का मूव आ गया मार्केट में, सही है? ज्यादा ही लगा लिया, तो उसमें लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब लोगों ने बोला यार अब तो मार्केट सेल में है, चलो बैठते हैं अब सेल में। लेकिन ये था मार्केट का ट्रैप, मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप दिया, ट्रैप देके मार्केट अगेन बुलिश निकली। अब यहाँ पे आई, आती गई, अब लोगों ने इस एरिया पे जो 2028 का एरिया था, देख रहे वाला एरिया 2028 के एरिया पे लोगों ने सोचा हुआ था यहाँ पे कि यहाँ से प्राइस दोबारा गिरेगी, क्यों? क्योंकि एक दफा पहले गिर चुकी है। लोगों ने बोला कि हम 60-70 पिप का लगा लेंगे, उससे पहले भी एक दफा गिर चुकी है, देखें यहाँ पे 31 से 32 से, देख रहे हैं आप? यस सर। तो लोगों ने बोला हम दोबारा लगा लेते हैं, हमें यहाँ से दोबारा गिरेगी। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक इन्वर्टेड हैमर के बाद यहाँ पे डॉजीज बना दी, दो लोगों को कॉन्फिडेंस दे दिया कि यार मार्केट को 100% गिरेगी, सही है? हमें मार्केट की तरह सोचना है, हमें नॉर्मल इंसान या नॉर्मल ट्रेडर की तरह नहीं सोचना, जो हमें आप दूसरी जगह यूट्यूब पे या भी हमें जो मार्केट के बारे में सिखाया गया है, हमें उस बारे में नहीं सोचना, हमें अगेंस्ट सोचना है, थोड़ा हटके सोचेंगे तभी हमें मिलेगा। यहाँ पे जी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक मार्केट के आप जो समझाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत वो होता है कि लोगों की आवाज आ रही है, ये आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक यूट्यूब पे एक वीडियो बना दें इस तरीके की, अगर आपके पास टाइम हो तो, मार्केट को किस तरीके से वो करें, मार्केट को किस तरीके से मार्केट की तरफ चलें, इस तरीके में वीडियो बनाना शुरू करता हूं। ये अजीम अपना माइक क्लोज कर लें काइंडली। अच्छा जी मैं अभी वो कर रहा हूँ, एक मिनट रह गया क्लास में। अच्छा ये देखें यहाँ पे डॉजीज बनी, जिस डॉजीज की वजह से लोगों को कॉन्फिडेंस मिल गया कि अब तो मार्केट सेल में ही आएगी और कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि प्राय लोग यहाँ पे देख रहे शॉर्ट टाइम फ्रेम पे डबल टॉप बन रहा था लोगों को शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, सही है? तो H1 में नहीं, M15 M5 में लोगों के लिए डबल टॉप बन रहा था, लोगों ने यहाँ पे लगाई दबा के सेल, हमने इसी वजह से यहाँ से लोगों से जो सिग्नल दिया था बाय का दिया था, क्योंकि दुनिया सेल लगा रही है, मार्केट पे तो सेल जाएगी, मार्केट पे बाय जाएगी, और मार्केट का ट्रेंड भी बाय का है, तो मार्केट में बाय जाना ही जाना है। मार्केट ने यहाँ से एकदम से मूव दिया अच्छा खासा बड़ा, आपको एक घंटे में 45 का हो गया लोगों का अकाउंट वॉच जो सेल में बैठे हुए थे, मार्केट को भी फायदा हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा